ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। तो अमेरिका एक्सपोर्ट के ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज आपके लिए ला चुका हूँ, हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका, अमेरिका को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, अमेरिका का बहुत सारे स्टेट्स में, स्टेट्स को, बहुत सारे राज्यों को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज में ला चुका हूँ पहले। तो अमेरिका एक्सपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो फिलहाल जो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुने गए हैं, सिलेक्टेड रह चुके हैं, वोट पा चुके हैं, तो 20 जनवरी 2025 को वो शपथ लेंगे और प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इससे उनका जो मुद्दा था, उनका जो प्रचार में मुद्दा था, काफ़ी सारे डोनाल्ड ट्रंप वहाँ का अमेरिकन सिटीजन को टैक्स फ्री करने वाले हैं। तो उनका कहना था, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि जो हाई टैक्सेस है अमेरिकन लोगों के ऊपर, जो हाई टैक्सेस है वो टैक्सेस को हटा देंगे, क्योंकि अमेरिका का जो, अमेरिका में जो टैक्सेस, हाई टैक्सेस लगा हुआ है, तो काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम वहाँ पर चल रहा है, काफ़ी सारे लोग टैक्सेस नहीं दे पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जो लोन भी नहीं दे चुका है, नहीं दे पा रहे हैं अमेरिकन लोग, तो वहाँ काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करते आ रहे थे अमेरिका का सिटीजन। तो इन्होंने क्या किया, जितने सारे आने वाले दिनों में जब ओथ लेंगे, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो अमेरिका का सिटीजन के ऊपर पूरा टैक्सेस हटा देंगे, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स रहेगा, कंपनी के ऊपर टैक्स रहेगा, सिटीजन के ऊपर टैक्स नहीं रहेगा। लेकिन टैक्स किसको करेंगे, जो एक्सपोर्ट कंपनी के ऊपर टैक्स करेंगे, जो अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, चाइना एक्सपोर्ट करता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है चाइना। तो अप्रोक्सीमेटली चाइना 550 बिलियन से लेकर 600 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है फ्रॉम चाइना टू अमेरिका। तो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है चाइना टू अमेरिका, चाइना। तो अमेरिका को एक्सपोर्ट करके चाइना आज एक रिचेस्ट कंट्री बन चुका है, सुपर पावर बन चुका है। तो वर्ल्ड का अभी फिलहाल वर्ल्ड में तीन सुपर पावर है, अमेरिका, रशिया एंड चाइना, तीन कंट्री है। और चाइना आज सुपर पावर है बिकॉज जब अमेरिका को एक्सपोर्ट करके चाइना सुपर पावर बना है। तो इसका जो मेन मुद्दा बता रहा हूँ, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो चाइनीज़ कंपनी को टैक्स पे करने के लिए बनेंगे। मतलब चाइना का जितने सारे एक्सपोर्ट कंपनी है जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको हैवी टैक्स लगाएंगे, ठीक है। मतलब जो प्राइस, जो प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट करेंगे टू अमेरिका, तो उसको हैवी टैक्स बनाएंगे, इंपोर्ट टैक्स हैवी रहेगा और एक्सपोर्ट हैवी रहेगा, तो प्राइस, जो प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा हाई हो जाएगा और अमेरिका का सिटीजन को टैक्स नहीं लगेगा। जब अमेरिका का सिटीजन को टैक्स नहीं लगेगा, वो इजीली प्रोडक्ट को बाई कर पाएंगे, और अगर प्रोडक्ट का ज़्यादा प्राइस हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट को अमेरिकन कंपनी अमेरिका के अंदर ही बनाएंगे, अमेरिका के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उनका अमेरिकन लोगों को नौकरी मिलेगा, उनका इलेक्शन का जो प्लानिंग था, ठीक है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट टू अमेरिका काफ़ी कम है अगर आप चाइना के साथ कंपेयर करोगे। 2023 में इंडिया 75 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था इंडिया टू अमेरिका। तो 2023 में अमेरिका को चाइना एक्सपोर्ट किया था 550 बिलियन डॉलर, मतलब कितना डिफरेंस आप देख लीजिए। तो हो सकता है इंडिया अमेरिका के साथ अच्छा रिश्ता है, अच्छा रिलेशन है पॉलिटिकली, पीपल टू पीपल, और डोनाल्ड ट्रंप प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ अच्छा रिलेशन है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है ज़्यादा हैवी टैरिफ ऑफ टैक्सेस इंडियन कंपनी के ऊपर नहीं लगेगा, हो सकता है नहीं लगेगा या लगेगा ये पता नहीं अभी तक, क्योंकि ये 20 जनवरी के बाद पता चलेगा। लेकिन हमें चाइनीज़ कंपनी के ऊपर हैवी टैक्सेस लगने वाले हैं आने वाले दिनों में, इसलिए आप अभी अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट अमेरिका इंडिया से इंपोर्ट करता है और काफ़ी डिमांड है इंडियन प्रोडक्ट्स इन अमेरिका, ठीक है। इंडिया से मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंडिया से दिवाली के टाइम पे इंडिया से काफ़ी सारे स्वीट्स जाता है अमेरिका, काफ़ी सारे जो बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया से जाता है, जो पूजा का सामान जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट जाता है, कपड़ा जाता है, ज्वेलरी जाता है टू अमेरिका। इसलिए अमेरिका को एक्सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है अगर इंडिया को रिच बनना है, अमेरिका सबसे ज़्यादा और अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करना है। तो इसलिए हमने अमेरिकन सीरीज अभी लाने वाला है, कल से हमारा वीडियो जाएगा अमेरिकन सीरीज में, मैं आपको हाउ टू एक्सपोर्ट टू अमेरिका, अमेरिका को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे, अमेरिका क्या क्या प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है, अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंस का जरूरत पड़ेगा, अमेरिका का कौन से
सिटी, कौन से स्टेट, कौन से राज्य फिलहाल क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो काफ़ी डिटेल्स में हम वीडियोज लाएंगे आपके लिए। तो अमेरिकन सीरीज में वीडियोज देखकर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इंडिया से सोर्स करके अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए आप रेडी हो जाइए। और जो जो लाइसेंसेस आपके पास नहीं है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा जो लाइसेंस पूछने वाले कंट्री है, अमेरिका सेकेंड में यूरोपियन यूनियन, तो इसलिए जो जो लाइसेंसेस ज़रूरत रहता है अमेरिकन गवर्नमेंट को इंपोर्ट के टाइम पे कस्टम में, तो लाइसेंस को प्रिपेयर कर लीजिए और आने वाले दिनों में 2025 जनवरी के बाद आप अपने आप को रेडी कर लीजिए अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि मैंने करीब 15-20 वीडियोज ला रहा हूँ अभी अमेरिका के ऊपर, अमेरिका का अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट क्या क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका को क्या कैसे एक्सपोर्ट करोगे, कैसे उसको ब्रांडिंग करोगे, कैसा पैकिंग करोगे, क्या क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या लाइसेंस का ज़रूरत है, क्या सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है, पूरी डिटेल्स में वीडियोज ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा अमेरिकन सीरीज देखोगे, ऑल्सो अलग अलग कंट्री में कैसे कंपनी बनाओगे उसके ऊपर वीडियोज हम बनाएंगे आपके लिए। तो अगर आप अमेरिका को एक्सपोर्ट करना है तो मेरा वीडियोस देखते रहिए, और अमेरिका को एक्सपोर्ट करने, एक्सपोर्ट अमेरिका से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग में ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि अमेरिका का डॉलर के हिसाब से अमेरिका का एक क्लिक, और जैसा कि आप इंडिया में आप मार्केटिंग करते हो ऑनलाइन में, तो इंडियन रुपीज़ में आप पे करोगे पर क्लिक 10 रुपया या 1 रुपया में आप मार्केटिंग कर सकते हो। अमेरिका में मिनिमम 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया पर क्लिक में आप काम करोगे। तो अमेरिका में अगर मार्केटिंग करना है ऑनलाइन में, तो आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, और अमेरिका से भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा अगर एक्सपोर्ट करोगे। तो नेक्स्ट वीडियोज में मेरा अमेरिकन सीरीज का एक्सपोर्ट वीडियोज आप देखोगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियोज आपके लाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।